वैसे जब आप हॉस्पिटल में तो डॉक्टर बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे जब व्हाइट प्लाज्मा की सेल की कमी आ गई, तो थोड़ा सा क्या बताते थे कोई? पापा जी कहते हैं कि जे नहीं इन्हों सैलियाँ चार चढ़ा हो गया सैलां दिया तो मुश्किल इन्हों होर भी कोई प्रॉब्लम आ सकती, कुछ भी मतलब हो सकता है। हाँ जी भी ज्यादा प्रॉब्लम आऊगी तो इंतजाम सैलां का कर लो जल्दी। कुछ और भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है ना? उस शांत से, उस प्रेम से जो खुदा को इन्होंने अपने जीवन से दिखाया, बोलो क्या है? उस प्रेम से, उस शांत से जो खुदा को इन्होंने अपने जीवन से दिखाया, समझ आ रही है? और वही प्रेम आज उनके सामने प्रकट हो गया। आज पति घर में, हालेलुया। इस बहन का नाम सरबजीत कौर है और जवेरके के रहने वाले हैं और इनके हस्बैंड की गवाही है जो बता रहे कि जिस सिस्टर ने बताया है कि जो इनका घर है वो तो ऑलरेडी बना है पर इनका एक रूम है जो बना तो था पर उस पर ऐसे लेंटर नहीं डाला था और जो बता रहे कि जो छत थी वो बालों की छत थी। तो जो बता रहे कि 2 हफ्ते पहले ही इनके हस्बैंड ने इनको कहा था कि अभी हम इस पर भी लेंटर डाल देंगे और जैसे इनके हस्बैंड आप ही छत पर चढ़कर वो बालों को निकाल रहे थे और जैसे वो निकाल रहे थे तो निकालने के समय उनका पाँव फिसल गया और जिसके कारण वो नीचे गिर गए। तो गिरने के कारण उनकी लेफ्ट साइड टांग में ऐसे जो कि उसकी हड्डी में फ्रैक्चर हो गई, टूट गई और जिसके कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। हम उस समय की पिक को देखेंगे और जो बता रहे कि जैसे इनके हस्बैंड हॉस्पिटल थे उस समय फिर इन्होंने कॉल की और जैसे फिर इनकी बात टीम के साथ हुई इन्होंने टीम को इन्होंने इनको और भी उत्साहित किया और इन्होंने बताया कि ऐसे परमेश्वर के दास के साथ ऐसे मेरी बात हो जाए या फिर उन्हें ऐसे मैसेज दे कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना जो कि मेरे हस्बैंड है उनका जो ऑपरेशन है वो अच्छा हो जाए। तो जैसे ही परमेश्वर के दास को इनका ऐसे मैसेज दिया गया तो परमेश्वर के दास ने भी इनके लिए प्रार्थना की और इनको इनका मैसेज इनको मिला कि और उनको बोलो कि आप विश्वास करें परमेश्वर आपके साथ है, सब कुछ अच्छा होगा। तो जैसे ही इनको फिर से कॉल की इनको बताया गया, उत्साहित किया गया तो जो बता रहे कि जो धन्यवाद करते रहे, जो बिल्कुल नहीं डरे क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि जो इनके हस्बैंड की जो लेफ्ट साइड की जो टांग है वो 2 जगह से ऐसे टूट गई है, हड्डी फ्रैक्चर है क्योंकि इनके जो हस्बैंड है वो तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते पर जब से जी सिस्टर इस मिनिस्ट्री में आ रहे हैं समय से जी विश्वास कर रहे कि इनके हस्बैंड इनके साथ आते हैं और जो उनके लिए विश्वास करते हैं। तो जी बता रहे कि जैसे जी धन्यवाद देते रहे तो जब इनके हस्बैंड हॉस्पिटल थे तो उस समय जो बता रहे कि उन दिनों में भी जो सिस्टर लगातार ही संगति को जो अटेंड कर रहे थे इन्होंने एक भी मीटिंग मिस नहीं की क्योंकि परमेश्वर के साथ इनका जो विश्वास और जो प्रेम था इन्होंने वैसे ही बनाया जो कि जब जो लगातार पहले जैसे मीटिंग में आते थे तो अभी भी जो लगातार ही मीटिंग में आ रहे थे पर जैसा इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर सब कुछ अच्छा कर चुके और एक ही हफ्ते में जो बता रहे कि जो ऑपरेशन भी हो गया बहुत सही और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। पर उसके बाद जो बता रहे कि डॉक्टर ने जो बताया कि जब जैसे इनको हस्बैंड को छुट्टी मिलनी थी, डिस्चार्ज मिलना था और उससे 2 दिन पहले ही इनके हस्बैंड को काफ़ी फीवर की प्रॉब्लम आ गई, इतना ज़्यादा फीवर था कि उसके कारण इनके हस्बैंड के बॉडी के जो वाइट प्लाज्मा सेल है वो बहुत ही कम हो गए थे। जब बता रहे हैं कि बॉडी में जो सेल है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक होने चाहिए पर वो जो बता रहे हैं कि 30,000 रह गए थे जिसके कारण जो बता रहे हैं कि जो ब्लड था वो भी 6 ग्राम रह गया था और बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ऐसे खराब हो गई थी। और जो बता रहे हैं कि जो उस समय भी इन्होंने परमेश्वर की आगे प्रार्थना की और जो बता रहे जैसे इन्होंने फिर से प्रेयर टावर में कॉल की और इन्होंने बोला कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें क्योंकि जो वो सेल है वो पैकेट में ऐसे मिलता है ऐसे वो मिल नहीं रहा तो परमेश्वर उसका इंतजाम करे। तो जैसे फिर से प्रेयर की गई परमेश्वर के दास ने भी इनके लिए प्रार्थना की जो कि वो सेल पैकेट में ऐसे सेल मिलते वो 1 पैकेट 1100 का था पर जैसे ही परमेश्वर के आगे प्रार्थना की तो परमेश्वर ने इंतजाम किया और जो कि 1100 का 1 पैकेट था इनको 1 पैकेट 800 में मिला और 4 पैकेट जो बता रहे कि उनको ऐसे सेल के ऐसे लगाए गए और जो बता रहे कि
दो दिन में ही परमेश्वर ने उनके पूरे जो बॉडी में सेल इतने कम हो गए थे वो भी पूरे हो गए, और प्लस जो ब्लड की बहुत ही कमी हो गई थी, 6 ग्राम ब्लड रह गया था, वो भी परमेश्वर ने जो बता रहे कि उसका भी इंतजाम किया, और ब्लड भी परमेश्वर ने उनकी बॉडी में जितना चाहिए उतना पूरा किया। तो जो बता रहे हैं कि एक ही हफ्ते में परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को पूरी तरह से अच्छा कर दिया, और जैसे उनको डिस्चार्ज मिला घर आ गए, तब भी जो बता रहे हैं कि इन्होंने मीटिंग मिस नहीं की, जैसे जे अपने जो कि जे सेवा करते ऐसे, और अपनी सेवा अपनी ड्यूटी पर भी जे समय से रहते रहे, इन्होंने एक दिन भी जे अपनी ड्यूटी पर जे लेट नहीं पहुंचे। और जे बता रहे हैं कि अपने घर में जे अपने हस्बैंड को अकेले ही संभालते, इनके दो बेटे वो भी अपने काम पर जाते, तो जो बता रहे कि जैसे उनका खाना उनको संभालना कपड़े ऐसे सब कुछ यही करते, तो जो बता रहे कि सब कुछ समय से कर कर जो मीटिंग में भी टाइम पर पहुंच जाते थे। और जो बता रहे कि सच में जैसे इन्होंने परमेश्वर के साथ अपना प्रेम और अपना एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखा, तो खुदा ने भी इनके हस्बैंड को पूरी तरह से जो भी प्रॉब्लम आई परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम से अच्छा किया, और जो बता रहे कि अभी बिल्कुल सही है, और इनकी चाहते कि बहुत ही जल्द परमेश्वर उनकी हड्डी को जोड़ चुके हैं, और बहुत जल्दी परमेश्वर ने अच्छा भी कर चुके हैं। और जो बता रहे हैं कि जो परमेश्वर के दास का और परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उस हालात में उस कंडीशन में भी जो बता रहे कि इनको जो परमेश्वर के दास सिखाते रहे जो टीच करते रहे तो जो विश्वास में बने रहे, और जो बता रहे कि जो बहुत खुश है कि परमेश्वर ने जो परमेश्वर के साथ इनका प्रेम था कि मैं मीटिंग मिस नहीं करना चाहती, सच में जो बता रहे कि परमेश्वर ने मुझसे हर एक काम करवाया और मीटिंग में मुझे समय से लेकर आते रहे और एक मीटिंग भी इन्होंने मिस नहीं की। और जो परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करते कि हर एक मुश्किल में परमेश्वर इनके साथ थे, और जो इनका विश्वास था आज परमेश्वर ने उस विश्वास से इनके जीवन में अपनी बड़ी महिमा को प्रकट किया है, और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर के दास और परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते, हम सब जोर से अपने हाथों को उठाते हैं उस परमेश्वर की महिमा को करेंगे, जोर से जोर से। सुनो, कितने को इस गवाही को कितने लोगों को समझ आई? मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का मैं देख रहा था ध्यान इधर उधर है, अगर मैं उन्हें उठाकर पूछूं क्या गवाही है तो वो बता नहीं पाएंगे, बोल के अगर मैं आपके बीच आ जाऊं तो कुछ लोगों को मैं उठाऊं जिन्हें मैं देख रहा था जिनका ध्यान इधर उधर है, तो मेरी जो गवाही यहाँ पे परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया बोलो क्या है, तो वो बता नहीं पाएंगे कि हम क्या सुन रहे हैं। फिर फायदा तब भी मिलेगा ना अगर हम सुनेंगे ध्यान से। अपन आए हो यहां पे आए हो क्योंकि गवाही एक जीवित वचन है, बोलो क्या, गवाही एक जीवित वचन है। कितने मेरी बात समझ आ रही? तो सबसे मेन पॉइंट थी कि जब इनके हस्बैंड छत से नीचे गिर गए तो हड्डी दो जगह टूट गई, बोलो क्या थी, तो हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, तो तब भी इन्होंने मीटिंग को नहीं छोड़ा, तब भी संगति में आते रहे। ये नहीं अब प्रॉब्लम खड़ी होगी तो अब जी ये कारण बन गया इसलिए नहीं आ पाए, तब भी ये आते रहे। और मैंने इनसे बात की कि आपके तो हस्बैंड हॉस्पिटल में, आप यहां पे हो? कहते हैं ये मेरी कॉपी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये मेरी? क्योंकि जो मैं अपनी गवाहियां बताता हूं, कहते जैसे पापा जी आप बोलते हो ना कि जब मेरा बेटा हॉस्पिटल तो मैं उसे छोड़कर कहां पे चला गया, खुदा के काम के लिए, उसकी संगति के लिए, तो मैं भी वही कर रही हूं, बोलो क्या है, क्योंकि ये मेरी बातों की बहुत कॉपी करती है, जो मैं करता हूं वही वो वैसे करती है, ये वैसे चलती है। बोलो क्या है, ये बोल रहे थे कि हाँ जो चीजें आप अपने जीवन के बारे बताते हो मैं वही कर रही हूं, इसलिए मैं आ रही हूं, मैं वहां पे रहकर क्या करूंगी, मैं यहां पे आऊंगी तो मुझे पता परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा, क्या करेगा, सब कुछ अच्छा करेगा। सुनो, जो जो व्हाइट प्लाज्मा सेल होते हैं बोलो क्या है, वो बहुत बोलो क्या है, वो एक इंसान के जीवन में कुछ भी हो सकता है उसके कारण,
क्योंकि खून ना बनने के कारण वो बनने जब बंद हो जाती हैं, बोलो क्या है, क्योंकि मेन है इंसान की बॉडी उन सेल्स के ऊपर होती है, समझ आ रही है। तो वो एक तो खून कम हो गया, 6 ग्राम रह गया, ऊपर से वो बनने बंद हो गई, बोलो क्या है। मेडिकल साइंस में अगर हम इसको अच्छे से इसका सर्च करें, पता लगाएं, तो फिर पता चलेगा कि ये कितनी दिक्कत खड़ी हो सकती है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कितने मेरी बात समझ आ रही है? पर परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। एक ने कितनी थैली खून की, वो प्लाज्मा की उन्हें चढ़ानी पड़ी। पापा जी, चार थैलियां। देखो जी, एक भी नहीं, चार, मतलब आप सोचो अगर 4 थैलियां व्हाइट प्लाज्मा सेल की उन्हें देनी पड़ी तो कितनी वीकनेस, कितनी उस चीज की कमी आ गई ना। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? पर फिर भी परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा कर दिया, सिर्फ उस शांत से, उस प्रेम से जो खुदा को इन्होंने अपने जीवन से दिखाया। बोलो क्या है? उस प्रेम से, उस शांत से जो खुदा को इन्होंने अपने जीवन से दिखाया, समझ आ रही है। और वही प्रेम आज उनके सामने प्रकट हो गया। आज पति घर में जब ऐसा हुआ तो एकदम से मेरे भी मन में आया कि ये अच्छे नहीं होते व्हाइट प्लाज्मा सेल, कुछ और ही ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। पर मैंने देखा इनके मन के अंदर जरा सा भी कोई ऐसा नहीं है कि संदेह वाली बात, या कोई डर है, या कोई ऐसी है कुछ होगा। ये पूरी तरह मैं एकदम ऐसे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बोलो क्या है? एकदम से ऐसे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसी वजह के कारण, एक अच्छे शांत से, इस प्रेम के कारण जो खुदा को इन्होंने दिखाया, आज इनके हस्बैंड घर में हैं, अच्छे भले हैं। थोड़े दिनों में अभी विश्वास तो नहीं वो करते, इनके हस्बैंड विश्वास नहीं करते, जो कुछ हुआ है इनके पति के साथ इनके विश्वास से हुआ है। किसके विश्वास से हुआ? इनके विश्वास से, क्योंकि बाइबल कहती पत्नी के विश्वास से पति के जीवन में काम होगा, पति के विश्वास से पत्नी के जीवन में काम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आए। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? पत्नी के विश्वास से परमेश्वर उसके हस्बैंड के जीवन में काम करेगा, और हस्बैंड के विश्वास से पति के जीवन में भी काम करेगा, पत्नी के भी, समझ आ रही है। तो इन्होंने अपना विश्वास जो खुदा को दिखाया, प्रेम दिखाया, आज वही प्रेम परमेश्वर ने प्रकट करके, बोलो क्या है, इन्हें गवाही से खड़ा कर दिया है। थोड़े दिनों में वो चलना फिरना भी शुरू हो जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और एक दिन जो ये विश्वास कर रहे हैं, इनके हस्बैंड यहाँ पे, वो इनके संगति में इनके साथ होंगे। आमेन, आमेन। कितने विश्वास करते हैं? हाँ, वैसे जब आप हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, जब व्हाइट प्लाज्मा की सेल की कमी आ गई तो थोड़ा सा क्या बताते थे कोई? पापा जी कहते हैं कि जे नहीं इन्हों थैलियां चार चढ़ा हो गया सेलां दियां तो मुश्किल इन्हों होर भी कोई प्रॉब्लम आ सकती, मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, फिर ज्यादा प्रॉब्लम आओगी तो इंतजाम सेलां दा कर लो जल्दी। कुछ और भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है ना, पर परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा कर दिया। उस अच्छा करने वाले परमेश्वर के लिए, जिसने बड़ा काम किया इस बहन के पति के जीवन में, परमेश्वर से शर्मिंदा नहीं होने दिया, उस खुदावंद के लिए और इस प्रेम के लिए तारीफ करो जोर से। मेरा जोर विश्वास उस परमेश्वर पे है, दोनों हाथों को उठा कर। मेरा विश्वास उस परमेश्वर पे है, ओ जेड़ा बड़े अनोखे कम करीदा, जेड़ा लाजर नू जिंदा करीदा, जेड़ा बड़े अनोखे कम करीदा, जेड़ा लाजर नू जिंदा करीदा। मेरा विश्वास उस परमेश्वर ते है, मेरा विश्वास उस परमेश्वर ते है।